हेलो दोस्तों, ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। इफ एक्स इज इक्वल टू लॉग सी बेस में बी एंड वाई इज इक्वल टू लॉग सी बेस में ए, देन लॉग सी बेस में ए बी इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। हम देखिए, इसे ई के इक्वल मान लेते हैं। ई इज इक्वल टू लॉग सी बेस में ए बी। हम देखिए, इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन में लॉग ए बी बेस सी, वन अपॉन में। हम देखिए, लॉग की प्रॉपर्टीज इसे लिख सकते हैं लॉग ए बेस में सी प्लस लॉग बी बेस में सी। अब हम देखिए, हमारे पास गिवन है एक्स इज इक्वल टू लॉग सी बेस में बी। इस इक्वेशन को दोनों साइड फ्लिप करेंगे, ये जाएगा वन अपॉन में एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में लॉग सी बेस में बी, वन अपॉन में एक्स इज इक्वल टू, इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे ये हो जाएगा लॉग बी बेस में सी। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास गिवन है वाई इज इक्वल टू लॉग सी बेस में ए। इस इक्वेशन को भी दोनों साइड फ्लिप करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन में वाई इज इक्वल टू वन अपॉन में लॉग सी बेस में ए, वन अपॉन में वाई इज इक्वल टू, इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा लॉग ए बेस में सी। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और इक्वेशन नंबर सेकंड से इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ई इज इक्वल टू वन अपॉन में लॉग ए बेस में सी की जगह पुट कर देंगे वन अपॉन में वाई, हो जाएगा वन अपॉन में वाई प्लस लॉग बी बेस में सी की जगह पुट कर देंगे वन अपॉन में एक्स, वन अपॉन में एक्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।